गुड आफ्टरनून भाई, क्या हाल है? सब खैरियत है? अच्छा, विच कैमरा इज़ द बेस्ट? अब फिर वही बोरिंग टॉपिक कि यार कौन सा कैमरा बेस्ट है, ब्लॉग स्टफ लाइक दैट। मैं फिर कोई पुराने आप नहीं रहे, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली वो कह रहा था कि आज सुबह मैं एक यूट्यूब वीडियो मेरे सामने से गुजरी और उस पर काफ़ी सारी चीज़ें मुझे सोचने पे मजबूर किया। मैंने कहा यार चलो इस पर बैठ के एक छोटी सी वीडियो बना लेते। देखिए भाई, कौन सा कैमरा बेस्ट है ये टोटली सब्जेक्टिव है। ये टोटली डिपेंड करता है आप पे और आपके काम पे, आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है और आप किस टाइप की फोटोग्राफी करते हो। भाई अब जो बर्ड शूटर है उसको हाई फ्रेम्स पर सेकेंड जो तकरीबन 10 या 11 फ्रेम्स पर सेकेंड हो और हाई ISO पे शूट करता है उसको वो प्रेफर करेगा रादर देन हाई मेगापिक्सल। या अगर कोई लैंडस्केपर है तो यार ज़्यादा नंबर ऑफ मेगापिक्सल को देखेगा। अगर कोई इवेंट फोटोग्राफर है वो कोशिश करेगा कि भाई कम रेजोल्यूशन का हो, क्योंकि उसको तस्वीरें लेके इवेंट्स की मीडिया पर डाल दी है जहाँ पे 2 मेगापिक्सल से 4 मेगापिक्सल से ज़्यादा की रेजोल्यूशन नहीं है, तो वो चाहेगा कि यार जल्दी जल्दी इमेज प्रोसेस हो। और वो उसी सूरत में हो सकती है जब आपका लो मेगापिक्सल का कैमरा हो। वालेकुम सलाम वैशी, कैसे हैं आप? ओखा सब खैरियत से होगा। तो बात वही हो रही थी कि कौन सा कैमरा बेस्ट है। आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझसे अगर कोई पूछे कि वेडिंग के लिए सबसे अच्छा कैमरा कौन सा है, वेडिंग के लिए मैं स्ट्रेट अवे बोलूँगा भाई नायकन का D4 या D4S, फिर सब उठा लें आप। क्यों, इसकी क्या वजह? भाई मैं D4 और D4S को क्यों कह रहा हूँ? मैं D750 को क्यों नहीं कह रहा, या मैं D800 को क्यों नहीं कह रहा, या D810 को क्यों नहीं कह रहा? उसकी वजह बहुत सिंपल है। सबको पता है D750 के क्या इश्यूज़ थे, ठीक है, और इश्यूज़ हैं, ठीक है। उसकी जो परफॉर्मेंस है वो जिस वजह से वो मशहूर है वो है उसकी ISO परफॉर्मेंस, ठीक है, D750 की। अगर मुझे ISO को ही देखना है तो फिर मैं कोई ऐसी मशीन ना ले लूँ जो ISO में बहुत ज़्यादा अच्छी हो और लो रेजोल्यूशन की हो, ताकि मेरा वर्क फ्लो ज़रा और ईजी हो जाए लो। क्योंकि जब आप कोई इवेंट फोटोग्राफी कर रहे होते हैं लाइक वेडिंग या कॉरपोरेट या स्टैग की, तो उसमें आप कोशिश करते हैं कि जल्द अज़ जल्द काम डिलीवर हो। और उसका मतलब है कि आपका वर्क फ्लो तस्वीर लेने से लेकर फाइनल इमेज एडिटिंग तक उसमें कम से कम टाइम लगे। तो इवेंट फोटोग्राफी में जितने कम ना मेगा पिक्सल का कैमरा होगा उतनी ज़्यादा आप जल्दी अपने इमेजेस प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर बात करूँगा, यार मैं बोलूँगा कि यार अगर इवेंट फोटोग्राफी है ये वो है तो वेडिंग है उस पर 16 मेगापिक्सल इज़ मोर देन अनफ। आपका जो वेडिंग एल्बम्स होती हैं उसके लिए 12 मेगापिक्सल का कैमरा मोर देन अनफ होता है। ये तो फिर भी 16 मेगापिक्सल है, D4 और D4S की बात कर रहा हूँ। दूसरी एक अच्छी जो दूसरी वजह जो D4 और D4S की बनती है, एक तो पहला IS हो गया, दूसरा वाइट बैलेंस, ठीक है, तीसरा बॉडी की रोबस्टनेस। D750 की बॉडी इट्स सबको पता है D610 की प्लेटफॉर्म से बनी है। इनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, D750 D610 की प्लेटफॉर्म से बनी है और D610 का प्लेटफॉर्म ही जो उसकी चैसी है वो बहुत ही हल्की ग्रिप की है, मतलब इट्स अ लाइट वेट बॉडी। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए जिसमें आपका कैमरा आपके आप से गिरता भी है या कहीं से टकराता भी है तो कैमरे को कुछ ना हो, तो और उसका ISO परफॉर्मेंस और वाइट बैलेंस और तमाम प्रो फीचर्स की बात कर रहा हूँ जो बहुत सारे हैं कैमरे में मौजूद है। नंबर ऑफ ऑटो फोकस पॉइंट्स, फोकस ट्रैकिंग, कलर बैलेंस, वाइट बैलेंस, स्टफ लाइक दैट। तो अगर इवेंट फोटोग्राफी की बात हो रही है तो मैं तो प्रेफर करूँगा
कि मैं D4 या D4S को लेके जाऊं, ताकि वो, क्योंकि वो फुल टाइम प्रो बॉडी होगी, मुझे कहीं पे किसी किस्म का कोई इशू का सामना होना नहीं चाहिए. ठीक है, D750 इज़ फाइन, इट्स मोर देन एनफ. लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से, मैं बात कर रहा हूँ फुल प्रूफ प्लान, फुल प्रूफ प्लान. D4S मैं अगर मेरा बस चले तो मैं शादी में D3S तक यूज़ करूँ, D3S, क्योंकि वो मशीनें टैंक. या फिर अगर आप वही बात है, अगर आपने फिर बात करनी है, अगर अगर मैं पैसों का मसला नहीं है तो फिर ठीक है, फिर D5 ले लो, बात ख़त्म. लेकिन मैं क्यों बात कर रहा हूँ D4 और D4S की, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि D5 आया है, D4 और D4S के प्राइस कम हुए. D3 को बोलिए क्योंकि वो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है. D4 और D4S एक ऐसी रेंज में ये कैमराज हैं कि जिसके अंदर आपकी टेक्नोलॉजी भी आपको एडवांस मिलेगी, उनके SLR फर्मवेयर भी काफ़ी अपडेट है, प्लस रेजोल्यूशन इज D3 से ज़्यादा है. ठीक है, और इतनी ऑप्टिमम रेजोल्यूशन है 16 megapixels कि वो आपको कोई भी इवेंट करने के लिए मोर देन एनफ. ठीक है, तो मैं, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट इवेंट्स किए और मैंने वर्क फ्लो से मैं उनसे फैमिलियर हूँ, तो मेरी ये फीडबैक है कि हाँ, D750 में जितने फ्लॉज आए और जो कुछ आया तो उसकी वजह सिर्फ उसके बिगिनिंग की वजह उसकी ISO परफॉर्मेंस थी. तो ISO परफॉर्मेंस तो आपको D4 में भी मिल जाएगी. कोई सेकेंड हैंड D4 D4S पकड़ ले, आप बहुत सुकून में रहेंगे. 24 megapixel से आपको सिर्फ क्या है, आपको 8 megapixel का नुकसान उठाना पड़ेगा, 24 से 16 पे आ जाएंगे. लेकिन आप ये भी तो देखो कि 16 megapixel हो या 24 megapixel हो, आप एंड में क्या डिलीवर कर रहे हो. अगर आपने फेसबुक और सोशल मीडिया पे लगाना है तो भाई उसके लिए तो आप आईफोन भी काफ़ी है. अगर आपने प्रिंट्स करने हैं क्लाइंट्स को देने के लिए तो 16 megapixel मोर देन एनफ. अच्छा ये बात इवेंट की हुई, अब सेम आ जाती है अगर मैं कोई लैंडस्केप लेना है तो मैं क्या करूँ. पर D800 ही है, जब से D850 आया तो D800 और D800 के प्राइस और कम हो गए. तो आपके लिए जो लोगों को बजट का इशू है वो सब D800 वो देखें. D810 इज़ अ वेरी 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 डिसेंट कैमरा, लेकिन D810 की अभी भी प्राइसेस हाई हैं. तो कोशिश करें अगर आपको कोई यूज मिल जाता है D800E, बिस्मिल्लाह करें. और ये तो आप भूल रहे हैं कि यार मैं एक कैमरे से सारे काम कर लूँगा. ये डिफरेंट कैमरा बॉडीज बनी ही इसी मकसद के लिए होती है कि इनसे डिफरेंट काम निकालें. कि स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स की बॉडी कभी भी फैशन के लिए यूज़ नहीं हुई. फैशन की हाई रेजोल्यूशन टू फैशन या लैंडस्केप को कवर करता है, वो फिर हाई फ्रेम्स पर सेकंड के लिए स्पोर्ट्स और एक्शन और वाइल्ड लाइफ के लिए नहीं होगी. D850 वाहिद अभी तक ऐसी ही बॉडी आई है जो कोशिश कर रहे हैं कि जिससे फैशन वो लैंडस्केप, वाइल्ड लाइफ, फोटो जर्नलिज्म और स्ट्रीट फोटोग्राफी सब आप कर सकें. D850 अभी तक वाहिद ऐसी आई है बॉडी, लेकिन उसके अपने वर्क फ्लो है. उसका वर्क फ्लो जो है वो भाई काफ़ी हैवी है. आपको हाई मेमोरी कार्ड्स, अगर आप वाइल्ड लाइफ शूटर हैं जहाँ पे एक दफ़ा आप रात को निकले या दिन में निकले या सुबह निकले 400-500 तस्वीरें बर्ड्स के लिए, तो वो तो ठीक ठाक आपका डेटा बना देगा D850. हालांकि वो भी 9 frames per second तक आपको दे सकता है, लेकिन उसका डेटा इतना होगा आप प्रोसेस कैसे करोगे. फिर उसको व्यू करने के लिए टाइम लगेगा. सारी 400-500 जितनी अगर तस्वीरें ली उनको व्यू करने में टाइम लगेगा. वही 400-500 तस्वीरें अगर आपने लो मेगापिक्सल से ली है लाइक D4 या D4S तो वो जल्दी व्यू हो जाएंगी, जल्दी प्रोसेस हो जाएंगी. तो बेस्ट कैमरा कौन सा है ये टोटली सब्जेक्टिव है, आप कर क्या रहे हैं. अकलमंद लोग वो हैं जो
नया कैमरा आता है तो वो उससे एक या दो जनरेशन पहले के कैमरा को लेके उसको फिर बेहतरीन बेहतर तरीके से यूज़ करते हैं। टोटल मेरा आइडिया इस वक्त कहने का ये है। सेम गोज फॉर कैनन कि अगर कैनन का 5D मार्क 4 आया हुआ है तो मार्क 2 ले लें, मार्क 3 ले लें। इस वक्त 6D मार्क 2 आया हुआ है तो 6D ले लें। इट्स टोटली अप टू यू। 80D आया हुआ है तो 60D प्राइस कम होगा तो 60D। अगर हाँ जब नया कैमरा आता है तो पुराने कैमरे की प्राइसेस कम हो जाते हैं तो वो बेस्ट टाइम होता है कि अगर आपको कोई बैकअप कैमरा लेना है उस वक्त आप वो बैकअप कैमरा ले लें। वैसे अगर D850 आया है तो D800E के प्राइस कम हो गए तो उस वक्त बेस्ट टाइम है कि D800E ले लें और उसको यूज़ करें एज अ बैकअप के तौर पर। प्राइमरी आप कुछ भी रखें, अपने प्राइमरी आप बेशक D610 रख लें या D750 रख लें। D750 इज अ वेरी वेरी नाइस कैमरा लेकिन मैं ओवरऑल अवेलेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे बेस्ट काम डिलीवर हो। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपकी टारगेट सिर्फ ISO है, हाई ISO परफॉर्मेंस है, तो कोशिश करें यूज्ड D4 या D4S ले लें, बहुत सुकून में रहेंगे। इवेंट्स, पोर्ट्रेट, स्टार ट्रेल, हर टाइप का काम के लिए D4 और D4S इज द बेस्ट। तो ये बात थी। अगर आपके पास D4 और D4S के पैसे नहीं हो रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। दो टाइप के लोग होते हैं, एक वो जो हाई महंगी मशीनें ख़रीदते हैं जिनकी परफॉर्मेंस होती है ठीक है और वो उन परफॉर्मेंस को यूज़ करते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो बस शॉप पे ले लेते हैं लेकिन उसकी परफॉर्मेंस को यूज़ नहीं करते। अब मेरा कहने का मकसद क्या है, मेरा कहने का मकसद ये है अगर आपने D4 या D4S लिया और आप उसको हाई ISO परफॉर्मेंस के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं तो बेहतर है भाई आप D750 पर रहें और $2,000-3,000 D4 और D4S को लेने से बेहतर है आप $200 का नॉइज रिडक्शन सॉफ्टवेयर लाइसेंस वाला ख़रीद लें, वो ज़्यादा बेहतर है ताकि आप वो तस्वीरें अगर आप D750 को या D610 को हाई ISO पे शूट करते हैं तो वो $200 का जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर है नॉइज रिडक्शन का वो आपके काम आए। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट, अगर आपने नॉइज रिडक्शन ही अप्लाई करना है इन दैट एंड ऑफ द डे तो और D4S लेने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप बेशक $200 या $150 का नॉइज रिडक्शन सॉफ्टवेयर ले लें। कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं यार हमने पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं, हमने राइट फ्रॉम द कैमरा तस्वीर लेनी है, तो फिर बेहतर है यार फिर आप वो एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करें D4S ले लें ताकि वो नॉइस रीजनेबल रहे, कंट्रोल में, और आपका काफ़ी हो जाए। तो ये 2-3 क्विक पॉइंट्स थे ठीक है। कौन सा कैमरा बेस्ट है ये टोटली सब्जेक्टिव है, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है, ये आप कर क्या रहे हो। मैंने सारी एग्जांपल्स अभी जो दी हैं वो नाइकन से रिलेटेड दिए हैं कि वो नाइकन कैमराज की है। इन द एंड ऑफ द डे आप क्या कर रहे हैं मशीन से, सब कुछ ये मैटर करता है। आपने कितना उन मशीन से तस्वीरें खींची है, बस ये मैटर करता है ठीक है भाइयों। तो फिर मुलाकात होती है आप लोगों से बाद में, ठीक है।